ग्राम पंचायत सिकटिया के एक बार फिर से नए मुखिया के रूप में माननीय श्री ललन तिवारी जी को पूरे ग्राम वासियों के तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले पूरे ग्राम पंचायत के वासियों को मेरे तरफ से प्रणाम। तीसरी बार मुझे जिस तरह से अपना मुखिया चुना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसी प्रकार कार्य करूँगा। धन्यवाद। ए भैया, इतना लोग कहाँ से आ रहे हैं? कोई भगवान को प्यारा हो गया का? देखा संतोषवा के पागला खाली अब शब्दे बोलता है। अरे भैया, तो का हुआ है बताइएगा तब नु। अरे पगला, ललन तिवारी फिर से ग्राम पंचायत सिकटिया के मुखिया बन गए हैं। फिर से? अच्छा तो यह बात है। हाँ रे पगला। आ कुछ मिला कि सुखले सुखले? अरे जाओ जाओ, लो जी पानी पियो। अरे संतोष चा, आपके बचपन के तो शेखर भैया मजवरिया मोड़ पर खड़े हैं। अच्छा ठीक है, अभी अनु साइकिल लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ खेलो, हम जा रहे हैं। अरे शेखर भैया गए, अभी ये जाते हैं। अरे अरे भैया, वहीं रुकिए, आ रहे हैं। अरे भैया, लड़ाई काका जी। प्रणाम भैया। प्रणाम। इतना काहे लेट हुआ? अरे भैया का कीजिएगा, मैसेज बड़ा लेट से मिला। छोड़िए अब, का कीजिएगा, लाइए सामान लाइए, चलिए बैठा चला जाए, आइए बैठिए चला जाए। तो पीछे बस सामान काहे रख दिया, हम बैठेंगे कहाँ? अरे भैया वो का है ना, किरियारवा कमजोर है, कोले सेल्डिंग कराए हैं। सेल्डिंग नहीं होता है बुद्धू, वेल्डिंग होता है। वो है, आप तो पढ़े लिखे न है, हम तो कहाँ मन पढ़ा दें। चलिए भैया, बड़ा धूप है, चलिए लाओ लाओ साइकिल, हम चलाएं, बैठो। अरे भैया आप कहे चलाएंगे, हम चलाएंगे, दूर से आए हैं, थके होंगे। आइए आगे बैठिए, आइए भाई दीजिए बेगवा। अरे 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 कोई दिक्कत नहीं है यार। अरे दीजिए ना दीजिए, इसको यहाँ पे रखिए। दोनों हम चलाते हैं साइकिल, तुम बैठो, तुम बड़ा बचपन में गिराए हो रहे हो हमको। अरे इधर बांधो, इधर बांधोगे नहीं तो गिर जाएगा। साइकिलिया पकड़िए ना, पकड़िए, आई बांध दे बैग, आपका गिर जाएगा। बांधो बांधो, रस्सी हम लाए हैं। हो गया भैया, चलिए गिरे उड़ेगा नहीं ना। ना ना नहीं, लाओ लाओ हम चलाते हैं, बैठो। अरे भैया आगे बैठिए, लग रहा है शहर जाके सब भूल गए हैं, ये ना आपको बैठा के घुमाते थे। आइए ना आगे, बड़ी मजा आता है, बैठिए, खाली ताकते हैं। बैठिए ना, बैठिए, बैठे काहे इतना खिंचाते हैं? गिराना बस मत। नहीं नहीं चलिए ना, आप चलाते ना भैया, बड़ा जुलूम होता यार, तुम बड़ा गिरा उड़ा देते हो यार। अरे फिर सुख सुख बोलिए, चलिए एकदम। अरे अरे गिरा के खाजी। अरे अरे भैया कितना डरते हैं, अभी तो खाली लात रखे हैं, थोड़ा स्पीड होगा तो कंट्रोल हो जाएगा। अरे बुद्धू, कंट्रोल नहीं कंट्रोल होता है। अरे का भैया, अनपढ़ आदमी को टोकते हैं, चलिए चलो।
ले दिशा में लेके चला रे बटोहिया। हेलो। हाँ गजाधर जी, रिजल्ट का क्या हुआ? क्या बताए, रिजल्ट तो ठीक है, बस 50 वोट से ही हम हार गए हैं। हम ये भी जानते हैं किसके कारण से हारे हुए हैं, जानते नहीं हैं, गांव वालों के चलते ही हम ये इलेक्शन हारे हुए हैं। और ये इलेक्शन अगले साल हम जीतेंगे और गांव वालों को अच्छे से सबक सिखाएंगे हम। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बहुत हमको अपना साथ दिया, जीत हुआ चाहे हार हुआ कोई बात नहीं, हम हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे। ठीक है, फिर रखते हैं। चाचा चाचा क्या रे? ये देखिए। ये क्या है? ललनवा फिर मुखिया बन गया। फिर मुखिया का शपथ ले लिया? अच्छे बनने दो, कोई बात नहीं है, एक दिन हम भी मुखिया बनेंगे। हाँ आप तो बन भी करेंगे। जानते हैं चाचा, पंचायत में पूरा वोट मिला है। हाँ वोट मिला है, सिकटिया गांव ही वाला धोखा दे दिया है लोग चाचा। हाँ गांव वाला तो धोखा किया है लो, लेकिन अगली बार हम छोड़ेंगे नहीं। एकदम नहीं छोड़ना है चाचा। हाँ हाँ एकदम नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, अगली बार हम ललनवा को धूल नहीं चटाए ना तो हमरो नाम गजाधर में। वाह चाचा वाह। इतने नहीं, अगली इलेक्शन में ललनवा को गांव से ही निकलवा देंगे। वाह चाचा वाह, आपसे यही उम्मीद था। गजाधर चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बस बस, अगली बार के लिए रुक के रखो चाचा, हम जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा ललन, अगली बार के इंतजार है, मिलते हैं फिर। लीजिए भैया, घर आ गया आपका, सामान आपका दे दे। ये घर है? ये आपका घर है, आई वाला मेरा है। हाँ बदल गया है जी घर। अरे बदलेगा नहीं, बाहर गए आपको कम दिन हुआ का। लीजिए भैया अपना सामान है, पकड़िए। अरे छोटा वाला बैग कहाँ है? छोटा बैग? हाँ इसमें छोटा बैग और दिए थे तुमको, क्या हुआ रास्ते में गिरा दिए? ये भैया लगता है गिर गया। मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सामान था, देखो देखो किसी के हाथ में लग जाए, चाहे देखो तो जल्दी से। इम्पोर्टेंट डाटा था वो, अभी हम देखते हैं, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, हम लाते हैं। हम भी चलें का? ना ना आप जाइए, हम लेके आते हैं, आप घर जाइए ना, जल्दी देखो। पता नहीं भूलवा देगा क्या यार, उसमें मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट सामान था। शेखर भैया का इम्पोर्टेंट सामान था, क्या पता कहाँ मिलेगा, कोई उठा मत लिया हो। अरे बाबू कि तुमको बैग कहाँ मिला? रास्ता पर मिला। अरे मेरा शेखर भैया का है, हे भगवान सही हुआ कि तुमको मिला। दो इधर दो, बहुत इम्पोर्टेंट सामान है मेरे शेखर भैया का। ठीक है बाबू जाओ, बचा दिया तुम। भैया का बैग मिल गया। भैया कौन? हम संतोष। अरे अरे हाँ 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 आओ, बैग मिला। अरे हाँ अरे मिल गया बैग, पाप रे पाप। सब चीज है ना भैया? हाँ सब चीज तो है, थैंक्स यार। क्या बोले भैया? मतलब कि तुम्हारा धन्यवाद। अरे भैया कोनो बात नहीं है, चलो तुमसे हम शाम को मिलते हैं, फिर गांव घूमेंगे साथ में हम लोग। ठीक है भैया, आप आराम कीजिए, बहुत थक गए होंगे, फिर मिला जाएगा, चलते हैं भैया। आजी तुम लोग खाली मोबाइल ही चलाएगा लो कि गांव का हाल जानेगा लो? क्या हुआ है भाई? आज हम देखे संतोषवा के साइकिल पर, पहलवानवा के बेटा BSC करके बाहर से आ रहा है, तुम लोग कहाँ जानेगा लो? वो तो शुरू में तेज था पढ़ाई लिखाई में। हाँ मोहन भैया हम मानते हैं इस बात को। अरे अरे इधर कहाँ चलो रे, इधर। आजकल तुमको कम दिखाई दे रहा है, किसी के भी दीवार पे चली जा रही है, चलो
तो हमको ना ही देखेगा का है। चलो 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 जाओ जाओ, तुम्हारी मालकिन बहुत आज गुस्सा में है। लो बाबू पोछो तुम, कोई आए तो बोल देना खेत में गए हैं। ठीक है। आप पता काहे गुस्साई है, जल्दी से चलते हैं, थोड़ा सोच समझ ले। सलमान खान से तो कम नहीं दिखते हैं हम, चलते हैं। किधर गई है, क्या बात है, देखते हैं आज किधर है, काहे इतना गुस्साई है भाई। माँ हम आ रहे हैं संतोष के घर से। संतोष, ए संतोष। संतोष बनाया गए हैं खेत में। खेत में? हाँ। कब गए हैं? अभी। किधर? उधर। इधर? हाँ। अच्छा चलो ठीक है। कहाँ है? किसका बकरी है रे, सब मेरा फसल बर्बाद कर दी। अरे चलो आज छोड़ेंगे नहीं। चलो आज हिसाब करते हैं, छोड़ेंगे नहीं जिसका भी होगा। तो छोड़ेंगे नहीं। अरे रे, 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 छोड़ो मेरी प्यारी बकरी को, कहाँ ले जा रहे हैं आप? इतना आसानी से थोड़ी छोड़ने वाले हैं, जितना बकरियां खाई है इतना दूध निकालेंगे इस बकरिया का, तबे छोड़ेंगे। दम है तो छू के दिखाओ। दम? ए! देखी दम। ए छोड़ो मेरी बकरी को, छोड़ो। ओरे ओरे। हाँ? हाँ? अच्छा ऐसे तो छोड़ने आले हम है नहीं। रुक जाओ तुम। हाँ चला गया जी संतोष। संतोष बकरी ले ली मेरे से, मेरा तो नाक कट जाएगा। ए संतोष कहाँ है जी? शेखर भैया अब तो नहीं छोड़ेंगे। कहाँ जा रहा है जी? है, बकरी दो, शेखर भैया ही हिसाब करेंगे, आने दो। आइए शेखर भैया आइए। हाँ हाँ बुला अपने शेखर भैया को, हम भी देखते हैं क्या कर लेते हैं वो। हाँ ही रहे हो बे, फैसला हो जाता है। हाँ हाँ ना, हम भी तो देखें क्या हुआ है। देखिए हमारी प्यारी बकरिया को पकड़ के रखे हुए हैं, अब आप ही बताइए क्या करें हम। का हुआ भैया जी, हमारा खेत का सब फसल चोर गई है। अब हम बोल रहे हैं ना, जितना ही चोरी है उतना दूध निकालेंगे तबे इसका बकरी देंगे। तुम पागल हो का? बकरी का दूध निकाला जाता है, खा गई तो इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी कर लेगा। खा गई बकरी है। भैया आप मम्मी को डांट रहे हैं। डांट नहीं रहे हैं, ये सत्य बात है। अब इसको क्या पता है, ये तो बकरी है ना, छोड़ो क्या दिक्कत है, जाने दो इसको। ना हम नहीं छोड़ेंगे, इसको घर लेके जा रहे हैं। क्या बात हुई यार, बकरी को छोड़ दो बेचारे। आप जानते नहीं है, रोज ही हमारे खेतों में चराती है रोज। हाँ जी। नहीं ऐसा नहीं है, हम ये इसको मतलब आजकल कम दिख रहा है, इसी के वजह से चली गई होगी भूल से। ना भैया हम तो इसको घर लेके जाएंगे। नहीं भैया ये हमारी बकरिया को दिलवा दीजिए। संतोष दे दो बेचारी। ना ना होम आज नहीं, फिर यही तो प्यारी बकरी है, बताइए हम इसके बिना हम कहाँ रहेंगे। संतोष छोड़ो बकरी, छोड़ो यहाँ, छोड़ो बकरी। ना भैया जी हम बोल रहे हैं ना छोड़ेंगे, हम बोल रहे हैं ना बकरी छोड़ो। अरे आप जानते नहीं है, रोज हमारे खेत में चराती है। छोड़ो बकरी, छोड़ो बकरी, छोड़ो। देखो ये बेचारी ये भैया कहते हैं तो हम छोड़ देते हैं। चलो तुम्हारे साथ और गांव घूमना है, सोचो कल हम आए हुए हैं तुमको पता नहीं है। आप बोले तो भैया छोड़ दिए हैं। ठीक है, ले जाइए अपना बकरी, ले जाइए कुछ नहीं करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया जी, आप मेरी बकरियां को दिला दिए। चलो इधर से। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया जी। हां हां शुक्रिया। ठीक है ठीक है, ले भैया जामुन खाइएगा। किसका जामुन कहते हैं? हां तोड़ देते हैं, खा लीजिए, बड़ा मीठा है। छोड़ो कौन चढ़ेगा ऊपर, छोड़ो। चलो तुम भी छोटे छोटे बातों में पड़े रहते हो, हैं? चलो आज तुमको बगीचा घुमा कर पिलाते हैं खेत की तरफ से। हमको ना ही देखेगा का है। चलो संतोषवा अब नहीं आएगा क्योंकि बहुत लड़ाई हो गया है। हाँ चलो आज दे ही देते हैं ना, क्या ही होगा।
भैया। अरे हो पगली मार दे झुन मुनुआ मारे रुको ना खा हटा और देखने दो कहां है। अरे शेखर भैया का हो गया आपको झुन मुनुआ पगली मार दे बकरिया भैया जोर से लगा। अरे भैया हम तो डरे गए थे तुम्हारे चक्कर में हम मार खा रहे हैं। क्या लिखा है भैया क्या लिखा है क्या लिखा है भैया डरवाइए मत क्या लिखा है बताइए ना। बाप रे बाप अरे तुम्हारे चक्कर में हम मार खा रहे हैं उठो तो तनी उठो तो का हुआ से खोल भैया तुम तो कहता था कि हम गांव में लभर चभर नहीं करते हैं है का है जे शेखर भैया सब बेइज्जती वाला बात मत कीजिए हम गांव में कुछ नहीं करते हैं एकदम शरीफ लड़का है आप जानते हैं ना आपके बचपन से हम यहाँ आ रहे बचपन से आ रहे है भाई सब लभर चभर वाला ये सब काम तुम ही ना करते है का लिखा है भैया तो ले देख पढ़ ले अब हम अनपढ़ आदमी का लिखा है भैया बकरिया वाली से तुम्हारा कब से चक्कर चल रहा है जी चक्कर। हाँ